कांग्रेस के लखनऊ मुख्यालय में इन दिनों हलचल तेज है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर यूपी में बीजेपी को मात दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी की जनता से कई तरह के लोक लुभावन वादे किए थे, जिन्हें अब पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए अब महिलाएं कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस दफ्तर पहुंच रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे यूपी से सामने आए हैं, जहां 80 में से 70 सीटों का सपना देख रही बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। और क्षेत्रीय दल समाजवादी ने एक बार फिर से 37 सीटों के साथ अपना दबदबा कायम कर लिया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव से पहले यूपी की जनता से कई तरह के वादे भी किए थे, लिहाजा अब यूपी की जनता उम्मीद भरी नजरों से दोनों पार्टियों की ओर देख रही है और चुनाव नतीजे आने के अगले दिन से कांग्रेस के यूपी कार्यालय पहुंचने लगी है। खास करके मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए 1 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। कांग्रेस के लखनऊ ऑफिस पहुंचकर कई महिलाओं ने गारंटी कार्ड पर अपना नाम पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी किया। कांग्रेस दफ्तर पहुंच रही महिलाओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पैसे देने का वादा किया था और ये भी कहा था कि 5 जून को पैसे लेने आ जाएं। अब इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो हम गारंटी कार्ड जमा करवाने आए हैं। एक मुस्लिम महिला ने बताया कि उसने कांग्रेस की सरकार बनने के लिए नमाज पढ़ी और दुआएं मांगी, तो एक महिला ने बताया कि उन्होंने भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कांग्रेस की जीत के लिए पूजा अर्चना की और अब जब इनकी सरकार बन जाएगी तो इन्हें अपने वादे भी पूरे करने चाहिए। इस महिला का नाम उम्मे अलमा है, जो एक मुस्लिम महिला है। ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर पार्टी कार्यालय पहुंची। उम्मे अलमा को उम्मीद है कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी और इनके खाते में पैसे आएंगे। इनके मुताबिक कुछ लोग अपने एरिया में मोटी मोटी गड्डियां बांट रहे हैं और हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। इनके अलावा एक और मुस्लिम महिला ने बताया कि वो अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़कर आई हैं। अगर पैसे नहीं देने थे तो इन लोगों को साफ बोल देना चाहिए, इस तरह चक्कर नहीं लगवाने चाहिए। उस महिला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में फॉर्म जमा तो किए जा रहे हैं लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है। हालांकि फॉर्म जमा करने के बाद एक स्लिप जरूर दी जा रही है और जिन महिलाओं के पास गारंटी कार्ड नहीं है उन्हें कार्ड लेकर आने को कहा जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस की गारंटी के मुताबिक 1 लाख रुपए पाने की चाहत में भरी गर्मी में मुस्लिम महिलाएं अपना अपना पहचान पत्र और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंच रही हैं। ये महिलाएं अपने हाथों में कांग्रेस का वही गारंटी कार्ड लेकर घूम रही हैं, जिसमें 1 लाख रुपए के वेतन के अलावा हर पढ़े लिखे युवा को पक्की नौकरी देने का वादा किया गया था। इस बारे में जब कांग्रेस के लोगों से पूछा गया तो पार्टी प्रवक्ता सीपी राय ने बताया कि कांग्रेस की 5 गारंटी लोगों तक पहुंच गई है। सरकार बनने पर जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, महिलाओं का कांग्रेस पर भरोसा है, हमने जुलाई तक पैसे देने का वादा किया था, अगर सरकार बनेगी तो कांग्रेस अपना हर वादा पूरा करेगी। दरअसल चुनाव प्रचार शुरू होने से भी पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में महालक्ष्मी योजना लागू करने की बात कही थी और ये वादा किया था कि इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की मुखिया महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने जमा किए जाएंगे। ये योजना कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के जैसी है, जिसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाते हैं। खड़गे के अलावा खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी वाले अरबपति बना रहे हैं तो हम भी गरीबों को लखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी और उनके खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी हर महीने 8,500 रुपए उनके खाते में खटाखट खटाखट जाएंगे। तो अब जब यूपी की महिलाओं ने कांग्रेस के वादों पर भरोसा करके इंडिया गठबंधन को बढ़ चढ़ कर वोट दिया है तो वो उसकी कीमत भी वसूल करने आएंगी ही ना। उनकी मांग कोई गलत भी नहीं है। कांग्रेस ने वोट के बदले नोट देने का जो लालच जनता को दिया था और जो भी वादा किया था उसे पूरा तो करना ही होगा, वरना यही पब्लिक अगले विधानसभा चुनाव में फिर से बाजी पलटने का भी मादा रखती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।